हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और मेरा ड्रीम था कि मैं फ़्लाइट में जाऊं और फ़्लाइट रेस्टोरेंट में डिनर करूं, तो बस हम लोग रेडी हो चुके थे वहां के लिए। तो वहां बहुत मज़ा आने वाला है, और अगर आप लोग गुड़गांव में अगर जाते हो तो इसमें जाओ। मैं तो भाई, मेरा ड्रीम तो पूरा हो गया। मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश थी। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इतना जल्दी इतना कुछ अपना ड्रीम पूरा कर रही हूँ। तो बस हम लोग निकल चुके थे, और ये भैया का सोसाइटी है जहाँ भैया रहते हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने कैब बुक किया था। तो बस कैब आने वाला था, तो हम लोग थोड़ा बाहर निकल गए थे, और अभी वॉक करके हम लोग जा रहे हैं बस कैब के पास। तो बस कैब आ चुका है, और कैब से निकल जाते हैं हम लोग रेस्टोरेंट के लिए। तो वहाँ पर हम लोग डिनर करेंगे, और आप लोग भी देखो, मतलब कि फ़्लाइट में डिनर करना मतलब एक अलग एक्सपीरियंस है जो कि मैंने उस टाइम पर किया, मतलब बहुत अच्छा। तो चलते हैं, और अब फिर आप लोगों से मिलते हैं, और आप लोग ज़रूर देखें एंड तक, कहीं ना जाएं। तो अब हम लोग बस पहुंचने वाले थे, थोड़ा दूर पे था, तो बस यहाँ से अब बस पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद भाई बहुत मज़ा आने वाला है, और वहाँ पे मतलब मैं अभी सब बताऊँगी आप लोगों को क्या लगता है, कैसे लगता है, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो बस ये कुछ बाहर का सीन था वहाँ का। और हम लोग पहुँच गए थे, और हम लोग के चेहरे पे स्माइल। भाई मैं, अगर मेरे टाइम तरफ डार्क नहीं रहता तो मैं आप लोगों को दिखाती, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, वो तो मेरे फेस पे एकदम ग्लो कर रहा था। क्योंकि ऐसा मतलब फ्लाइट वाला रेस्टोरेंट में तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई हूँ भाई, हम लोग सारे लोग फर्स्ट टाइम गए थे, मतलब भैया और भैया को छोड़ के, क्योंकि भैया लोग तो ऐसे जाते रहते हैं, बट हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था, और अब मैं उतर चुकी थी भाई, बहुत मज़ा आएगा। तो चलते हैं अंदर, और चलिए आप लोग मेरे साथ अंदर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए हैं तो कुछ पता नहीं है कहाँ क्या है, कुछ भी वैसा पता नहीं था, बट भैया को वैसे सब कुछ पता था। तो हम लोग चलते हैं अंदर। मैं देख रही थी मेरा ड्रेसिंग सेंस तो सही है ना भाई, वहाँ पे कैसे लोग अच्छे अच्छे लोग हैं। तो मेरा लुक जो कि भैया का पसंद का, मैं ड्रेस पहन तो ली थी, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। आप लोग कमेंट करके बताना मैं उस दिन कैसी लग रही थी, तो आप लोग कमेंट करें। और इतने सारे डॉगी पहले से यहाँ पे बैठे खड़े हैं भाई सब। और तो चलते हैं अंदर, और अब यहाँ से हम लोग बस जाने के लिए तैयार थे। और मैं तो, मुझे मेरी भाई मेरी स्माइल देखो, मतलब उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ऐसे जगह पे हम लोग मतलब ऐसे तो कभी गए नहीं थे। और यहाँ पे एंट्री फीस लगता है जो कि पर हेड 500 लगता है, तो आप लोग अगर जा रहे हो तो 500 आप लोगों को एंट्री फी लगेगा। आप लोग वहाँ जाओ अंदर, फ़ोटो क्लिक करवाने का बहुत मस्त प्लेस है, फ़ोटो क्लिक करवाओ, वीडियो शूट करवाओ, और मतलब कि डिनर तो हम लोग डिनर करने ही आए थे, तो फ़ोटो वीडियो तो खैर लेना ही था, मैं भी ना फ़ोटो वीडियो के कहाँ रहती। तो बस हम लोगों ने फ़ोटो लिया, वीडियो लिया, और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि हम लोग डिनर करने ही आए थे स्पेशली। तो अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, तो फिर हम लोग यहाँ से गए फ्लाइट। लग रहा था हम लोग जो हम लोग फ्लाइट से आ रहे थे ना, मुझे लग रहा था मैं वहीं जा रही हूँ। तो हम लोग फ्लाइट में उस टाइम पे तो हम लोग, हमारा 1:30 था, तो फिर हम लोग को उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो बस यहाँ पर हम लोग इंटर किए, और पूरा लुक एकदम एरोप्लेन वाला ही था, प्लेन वाली ही फीलिंग आ रही थी, मतलब सारा कुछ वैसा ही था, सीट वीट सब कुछ वैसा ही था। और यहाँ का तो लाइटिंग भी बहुत अच्छा है, और हम लोग पहले यहाँ पे बैठ गए थे, लेकिन भैया को और पीछे जा कर के बैठना था, तो हम लोग यहाँ से फिर से उठ जाते, और फिर से उठने के बाद फिर हम लोग चलते हैं पीछे बैठने के लिए। तो अब हम लोग बैठ चुके थे अपने सीट पे, और हमारे पीछे वाले सीट पे कोई बर्थडे पार्टी हो रहा था। तो और इसका मेन्यू कार्ड देख सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत भी महंगा है। वैसे तो प्लेन में भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, और ये डुप्लीकेट है, बट यहाँ पे
यहाँ पे भी वही वाला कॉस्ट है, सारा का प्राइस एक जैसा था, मतलब कि महंगा था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ पे आए थे और अब हम लोग क्या क्या खाते हैं आप लोग देखो, भैया ऑर्डर कर रहे थे तो मैं वो दिखा के बताती हूँ हम लोगों ने क्या क्या खाया था। तो फर्स्ट हम लोगों ने वेज नूडल्स मंगवाया था, और सेकंड था रेड सॉस पास्ता, और उसके साथ गार्लिक ब्रेड भी दिया था तो वो भी बहुत टेस्टी था। तो स्टार्टर में तो हमारा हो गया था नूडल्स और पास्ता, और डिनर मेन कोर्स में हमारा था पनीर कुलचा और मशरूम की सब्जी। और एंटरटेनमेंट कराने के लिए बीच में हमारे आए प्यारे से मिकी माउस जो कि हाई कर रहा था, बहुत अच्छा था। मेरे को उसके साथ वीडियो बनाना था बट मैं बीच में बैठी थी और भैया आगे बैठे थे, मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और ये लास्ट में यहाँ पे पानी नहीं देता हाथ धोने के लिए, तो ये हैंड वॉश के लिए दिया था हैंड पेपर वाला, तो उसके बाद फिर हम लोग वॉश किए और उसके बाद यहाँ थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए आ गए थे। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था जो कि उसके विंग्स पर बना हुआ था, तो यहाँ से क्या व्यू आ रहा था, बहुत सही व्यू आ रहा था। और इसका कुछ बाहर का स्ट्रक्चर ऐसा था, पूरा एरोप्लेन वाला था, और वहाँ पे वीडियो शूट हो रहा था, यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा सकते हैं, दो तीन ऐसा प्लेस था जो कि व्यू अच्छा आ रहा था। और यहाँ पे ना हम लोग अपने फ़ोटो प्रिंट करवा सकते थे, तो हम लोगों ने फ़ोटो प्रिंट करवाया था सारे लोग खड़े होकर के। और अब खाना हो गया, मस्ती हो गया, फ़ोटो क्लिक हो गया, वीडियो शूट हो गया, तो अब चलते हैं घर की ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और लास्ट में मैंने फ़ोटो भी क्लिक करवाया, आप लोग फ़ोटो देखना ना भूले, तो आप लोग फ़ोटो देखिए। और बस हम लोग घर पहुंच गए थे, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट दिल्ली दर्शन के साथ, तो आप लोग वो ज़रूर ब्लॉग देखें मेरा। तो मिलते हैं, बाय।